पौड़ी विकासखंड थलीसेड का सालून गांव आलू उत्पादन का हब बनता जा रहा है। यहां जनपद का सबसे अधिक आलू का उत्पादन किया जाता है। थलीसेड ब्लॉक में 320 हेक्टेयर भूमि के सापेक्ष 4762 मेट्रिक टन आलू सबसे ज्यादा उगाया जाता है, जिसमें सबसे अधिक आलू का उत्पादन सलून गांव में होता है। यहाँ की मिट्टी में सिलिका प्रचुर मात्रा में है, जो कि आलू, प्याज, चुकंदर आदि फसलों के लिए सबसे उपयुक्त होती है। सालोन गांव में आलू का उत्पादन कर रहे काश्तकारों ने क्षेत्र में आलू के लंबे समय तक बचाए रखने के लिए जिला प्रशासन से कोल्ड स्टोरेज के साथ जंगली जानवरों से फसल को बचाने के लिए घेर बार की मांग की है। सालोन के काश्तकार दिलीप सिंह और सहन सिंह ने बताया कि उनके क्षेत्र में लगभग सभी ग्रामीण आलू का उत्पादन करते हैं, लेकिन हर साल जंगली जानवर उनकी फसलों को खराब कर देते हैं। इसके साथ ही जिस फसल को वो जानवरों से बचा पाते हैं, कोल्ड स्टोर की व्यवस्था ना होने से फसल के खराब होने का खतरा उन्हें लगातार बना रहता है। जिला उद्यान अधिकारी राजीव तिवारी ने बताया कि पौड़ी के सभी 15 ब्लॉकों में आलू की खेती होती है, लेकिन थलीसेड ब्लॉक में आलू का उत्पादन अन्य ब्लॉकों से अधिक होता है। साथ ही आलू के स्टोरेज के लिए उन्हें जैसे ही प्रस्ताव जनप्रतिनिधि की ओर से मिलते हैं तो तुरंत काम किया जाएगा। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। ये है कि देखो, हमारा आलू जैसे खरीद हमारी 20 रुपए किलो है और यहाँ में मिनिमम 2 रुपए मिल जाते हैं, 20-22 रुपए किलो, 22-23 रुपए किलो हम बेचते हैं। और आगे हमको तो ये चाहे कि जैसे हमारा सरकार हमको घेर बार की वो दे देते हैं, हमको तो सही मिनिमम रहता है, जो कि हमारे जंगली जानवर हमारा आलू को नुकसान नहीं देते। जैसे बारा सिंह आता तो हमारा जैसा जुंगरा कोदा इसको खा देते, जैसे घेर बार के लिए हमको तार बार मिल जाती, ये दीवाल दोल जो मिनिमम ये चाहिए सर। जैसे जंगली जानवर जैसे हमारा सुंगर, जंगली का सुंगर और बारा सिंह, मिनिमम 2 जानवर ऐसे हैं जो नुकसान पहुंच, और एक जंगली वो लंगूर बोलते हैं उसके लिए। अच्छा जी, और लंगूर के लिए तो इतने घेर बार हो ही नहीं, लंगूर तो छलांग मार देता है, पर जंगली जानवर उसके लिए थोड़ा घेर बार ऐसे बोलते जो दीवाल घेर बार। कोल्ड स्टोरेज के लिए उनसे हमने बात किया है, वहाँ ग्राम प्रधान से, अगर वहाँ पर कोई सार्वजनिक लैंड उपलब्ध करा देते हैं और प्रस्ताव आ जाता है तो हम नाबार्ड योजना या जिले योजना या राज्य योजना में कोल्ड स्टोरेज के लिए प्रस्ताव कर देंगे और वो बन जाएगा। उसके लिए जो है नाबार्ड योजना में प्राविधान है बनाने। सरकार का लाभ भी मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिल पाता है ना, यहाँ गाँव के क्षेत्र में इतना नहीं मिल पाता है, फिर भी सरकार के द्वारा सरकार तो अपने योजना लाती है। आलू की तो जैसे हम कोई फैक्ट्री रहती तो तब से ही आलू काम करने वाले बंदे भी हैं, बस धंधा है, कभी नुकसान भी होता है, कभी थोड़ा बेनिफिट भी होता है, कभी कभी कोल्ड स्टोर है पर छोटा सा है।